गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर नेहा मैम. ओके, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. ओके, इन द लास्ट वीडियो वी हैड डन ऑल द थियोरिटिकल और कंसेप्चुअल वीडियो रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इन टूडेज वीडियो वी विल डू कंसेप्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओके, तो फ्रॉम टूडे वी हैड stepped into a practical questions. Okay, तो अभी हम जो ये जो टॉपिक देख रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं, इसमें एटलीस्ट 10 केसेस है. ओके, 10 केसेस है या फिर मोर देन 10 केसेस आप बोल लो. ओके, तो हम लोग हर एक दिन दो दो केसेस देखेंगे या तीन तीन केसेस देखेंगे, ताकि हम लोग, अगर हम लोग 10 केसेस भी नहीं देखते हैं तो हमसे क्वेश्चन जो है वो नहीं बनेगा. तो ठीक है, तो आज मैं आपसे दो क्वेश्चंस, दो केसेस डिस्कस करूंगी. ओके, दे आर सिमिलर टाइप क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स आई एम डिस्कसिंग योर एग्जांपल्स गिवन इन योर बुक. ओके, तो आई एम स्ट्रिक्टली एक्सप्लेनिंग फ्रॉम योर टीएस गरेवाल बुक. ओके, तो एग्जांपल नंबर वन, आई एम रीडिंग इट आउट. दिस इज द क्वेश्चंस आई हैव रिटन. ओके, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. ओके, एक फर्म है, उसमें दो पार्टनर है, A एंड B, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3. C इज एडमिटेड फॉर 1/4 ऑफ द शेयर इन द प्रॉफिट. और C क्या है, 1/4 शेयर प्रॉफिट में उस C को भी लाया गया है. ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे. ये ऐसे तो बुक में आपका नहीं दिया हुआ, बट हम लोग कर लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ओके, अभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, हम लोग उसको एक कहानी के फॉर्म में देखेंगे कि हो क्या रहा है. ओके, मान लो एक पिज्जा है, आप लोग हैं पिज्जा खाने के लिए डोमिनोज. ओके, एक पिज्जा है, तो आपने पिज्जा ऑर्डर किया और यहाँ पे दो लोग गए थे, ए एंड बी. ओके, तो ए क्या बोलता है कि मैं पिज्जा के 5 पीस खाऊंगा. ओके, तो 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 पीस कौन खा जाता है, ए. ए क्या बोलता है कि मैं पिज्जा के कितने पीसेस खाऊंगा, 5 पीस खाऊंगा. अब बी क्या बोलता है, मैं 3 पीस खाऊंगा. ओके, तो कहानी आपको क्लियर हो गई. ये इतनी कहानी जो है वो पहले लाइन की कहानी है. ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3. तो 5:3 की ये कहानी है कि एक डोमिनोज में दो पार्टनर गए थे, ए एंड बी, और उन्होंने एक पिज्जा ऑर्डर किया. और बी क्या ये क्या बोलता है कि मैं 5 पीस पिज्जा के खाऊंगा. और सी क्या बोलता है, ठीक है मैं 3 पीस पिज्जा के खाऊंगा. ओके, बस यहीं तक स्टोरी है फिलहाल. अभी वो लोग खाना स्टार्ट ही किए थे कि पीछे से आवाज आती है उनके फ्रेंड सी की. सी भी आ गया भैया यहाँ पे, ठीक है, सी आ गया. अब सी क्या बोलता है कि मुझे भी पिज्जा चाहिए. अब मुझे कितनी पिज्जा चाहिए, 1/4 चाहिए. देखिए यहीं पे ये लिखा है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट. पिज्जा में उसको कितना शेयर मिल रहा है, 1/4 शेयर मिल रहा है. ठीक है, तो अब पिज्जा का बंटवारा कैसे होगा. मान लो ये पिज्जा है, तो इसका 1/4 मतलब इतने हिस्सा को कौन खाएंगे बोल रहा है, सी बोल रहा है कि ये जो 1/4 हिस्सा है ये हमारा है. ओके, तो ये किसका हिस्सा है, ये सी का है. सी बोल रहा है कि भैया पिज्जा का 1/4 हिस्सा तो मुझे दे दो, बाकी का जो करना है करिए. ओके, अब ये जो रिमेनिंग पिज्जा है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा. ठीक है, इतना से इतना पिज्जा कितना है, 1/4 है. ओके, तो ये बचा हुआ पिज्जा कितना बचा हुआ है, 3/4. ठीक है, तो अब ये 3/4 में ए एंड बी को शेयर मिलेगा. मतलब ये जो 3/4 पिज्जा है उसमें पे किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए एंड बी को. ओके, तो हम देखते हैं इसमें अकाउंटिंग टर्म्स में हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है, हम लोग करना स्टार्ट करते हैं. ओके,
मजा आ रहा है क्वेश्चन में, ऐसा तो कोई डिफिकल्टी है नहीं। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू वन, हम लोग मान लेते हैं कि टोटल शेयर कितना था, वन था, एक ही पिज्जा था ना भाई, टोटल शेयर कितना था, वन था। ओके बच्चा आगे देखते हैं, टोटल शेयर वन है तो हम लोग का क्या गिवन है, गिवन सीज शेयर, हमें शी का शेयर कितना गिवन है, वन बाई फोर्थ। ओके दो चीज तो हमको समझ आ गई कि टोटल शेयर कितना है, एक है, और कितना गिवन है, सी का शेयर कितना है, वन बाई फोर्थ है। ओके इतनी चीजें पता चल गई, अब हम देखते हैं रिमेनिंग कितना पिज्जा बचा हुआ है। रिमेनिंग शेयर्स कितना शेयर बचा हुआ है, दैट इज वन माइनस वन बाई फोर्थ। आप लोग सब एग्री करोगे इस चीज से कि कितना बचा होगा, कि देखो एक से हम लोग वन बाई फोर्थ माइनस कर लिए, उतना ही बचा होगा, इक्वल टू थ्री बाई फोर्थ। ओके अब हम लोग को क्या करना है, न्यू शेयर निकालना है। ओके न्यू शेयर निकालना है, या तो फिर ये बोल सकते हो कि ये थ्री बाई फोर है, उसी में से क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ए एंड बी को। ओके तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं न्यू शेयर, न्यू शेयर कैसा है, हम लोग तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे, ए बी एंड सी। ओके और ये जो जितने भी बचे हुए पिज्जा है पहले तो हम उनके सामने रख देंगे, कितना बचा हुआ पिज्जा है भाई, थ्री बाई फोर्थ, थ्री बाई फोर्थ, और इसका शेयर तो हमें गिवन है वन बाई फोर्थ, दैट इज यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन। ठीक है यहाँ पे लिखते हैं गिवन, गिवन कितना है, वन बाई फोर्थ है, और यहाँ पे ए का शेयर कितना है, थ्री बाई फोर्थ, बी का कितना है, थ्री बाई फोर्थ। ओके तो टिल देन यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, हमारा सारा सीन क्लियर है। अभी ये जो थ्री बाई फोर्थ है पिज्जा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए एंड बी के बीच में। ओके तो क्या हम लोग इसको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्वेश्चन क्या है कि क्या हम इसको इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें, तो आंसर होगा नहीं, हम इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम उनके ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो दैट इज गिवन, उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम इस जो रिमेनिंग शेयर्स है उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, इंटू फाइव बाई एट, इंटू फाइव बाई एट तो हो जाएगा थ्री फाइव जा फिफ्टीन, डिवाइडेड बाई थर्टी टू, फाइव थ्री जा सॉरी यहाँ पे कितना थ्री है, सॉरी नाइन बाई थर्टी टू। ओके और आपको तो पता है, आप लोग तो सिक्स क्लास में सब कोई अच्छे से पढ़ पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि हमें यहाँ पे नीचे का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए सेम चीज से डिवाइड करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एट से डिवाइड करेंगे, फोर एट जा थर्टी टू, तो नीचे तीनों का हमें बराबर करना है, तब तो हम लोग रेशियो पता पाएंगे, तो तीनों का हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बराबर कर रहे हैं। ठीक है तो हमें क्या है, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो 15:9:8। ओके तो ये हमारा सोचो तो हमारा जो क्वेश्चन का एक पार्ट था, न्यू रेशियो या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ये हमारा क्या होगा, 5:9:8। तो ठीक है हम लोग यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले ये मानते हैं कि टोटल शेयर एक है और सी का शेयर हमें बताया गया है वन बाई फोर है, तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना होगा, वन माइनस वन बाई फोर, दैट इज थ्री बाई फोर। अब थ्री बाई फोर को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो हमने लिख दिया, बस जो भी रिजल्ट आ गया आपके सामने। ओके अब हमारा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हम लोग उसको पढ़ते हैं। तो हम लोग अब जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो,
उसको देखते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड हमारा रेशियो कितना था और न्यू, जो हम लोग पिछले दो चैप्टर्स में करते हुए आ रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो सेम है। ओके, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ओल्ड कितना है, सॉरी 5/8 एंड 3/8 माइनस न्यू शेयर इसका कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 32 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 32। इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है, 5:32 एंड 6:32। आपको मैंने पहले ही बताया था, पॉजिटिव रहेगा तो सेक्रीफाइसिंग एंड नेगेटिव रहेगा तो गेनिंग रेशियो होता है। ओके, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के तरफ। तो ये देखिए, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल आ गया है, मैं क्वेश्चंस लिख ली हूँ आपके लिए। तो अभी हम मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ और आपको ये करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। ओके, ए बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2:1 रेशियो। दे एडमिटेड डी फॉर 10%। देखिए, डी का हिस्सा जो है ऑलरेडी आपको दे दिया गया है, डी का 10% हिस्सा है। ओके, 10% प्रॉफिट्स। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डी का जो शेयर है, डी का शेयर को हम लोग मानते हैं, डी शेयर को हम लोग पहले देख लेते हैं, थोड़ा एलेबरेट करते हैं। डी शेयर कितना है, 10%। 10% को हम लोग 10/100 लिख सकते हैं। एवरीवन एग्रीड, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, 10% को 10/100 लिख सकते हैं। इसको हम लोग फर्दर और छोटा करें तो 1/10 हो जाता है। ओके, 1/10 हो गया। हम लोग टोटल शेयर हमेशा 1 लेते हैं, टोटल शेयर हमारा क्या है, 1 है, बट आप लोग यहाँ पर परसेंटेज में दिया है इसीलिए मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया। ओके, मैंने इसको बाद में लिखा, बट हम लोग टोटल शेयर हमेशा अज्यूम करते हैं 1। और डी शेयर्स क्या है, 10% है, तो हम लोग 10% को 10/100 लिखे और इसको कट करें तो ये ऐसा पोजीशंस में आ गया। अभी हम लोग रिमेनिंग शेयर निकाल लेते हैं। रिमेनिंग शेयर्स इज इक्वल टू टोटल में, सो जब हम डी का शेयर हटा लेते हैं तो हो जाता है हमारा रिमेनिंग शेयर 9/10। ओके, तो यहां तक हमने कर लिया। अब ये जो रिमेनिंग है इसी को हम किसके पास बांटेंगे, न्यू शेयर्स ऑफ ए बी एंड सी, ए बी सी का न्यू शेयर्स। ठीक है, तो हम लोग अभी ये 9/10 को ही ए बी सी के बीच में बांटेंगे, ए बी और सी तीनों के पास हम लोग जो बचा हुआ पिज्जा हम लोग रख देते थे, इन द सेम वे हम लोग रिमेनिंग शेयर्स को इनके सामने रख देंगे सबसे पहले। ओके, रख दिया हमने। अब हमको हम तो जो बचा हुआ पिज्जा इनके सामने तो रख दिए, मतलब हमने रिमेनिंग शेयर्स को इनके सामने रख दिए, बट इनको अभी क्या है, इनको हम इक्वल इक्वल नहीं बांट सकते। इनको हम किस रेशियो में बांटेंगे, अगेन इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन इज 3:2:1। 3:2:1 में बांटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 / 6 × 2/6 1/6। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको पूरा करोगे तो जाएगा 27/60 18/60। ओके, बस ये हमने कर दिया, तीनों का 60 60 60 है। और हम लोग अगर डी का शेयर देखें तो उसका 1/10 है, और हमें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी हो जाएगा हमारा 60 6/60। ओके, कर दिया, तो इस हिसाब से हमारा न्यू शेयर निकल आया, न्यू शेयर्स इज इक्वल टू 27:18:19:6। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वेरी सिंपल इट वॉज। टू टुडे इन दिस वीडियो वी हैड सीन 2 केसेस आउट ऑफ 10 केसेस। ओके, इन टुमोरोज वीडियो आई विल कम विथ फ्यू मोर केसेस। टिल देन
कीप लर्निंग, स्टे सेफ एंड कंप्लीट योर टास्क. ओके, प्लीज गो फॉर सेल्फ स्टडी ऑल्सो. थैंक यू.